ऐसे और भी क्रिकेट इंटरव्यूज के लिए, ऐसे और भी रैपिड फायर राउंड्स के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं और ऐसे ही सपोर्ट। हे गाइस, हेलो, कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि आज भी एक कॉन्टेस्ट था जो प्ले आईपीएल विद आरजे रजनीश का, उसके विनर हमें मिले अल्पेश दर्जी, जो कि उसके विनर है। तो बेसिकली मैं हर शाम 6 बजे लाइव आता हूँ और क्वेश्चंस पूछता हूँ आईपीएल से रिलेटेड, और जो भी प्रॉपर और करेक्ट आंसर देता तो उसको मिलता है एक जर्सी, आरजे रजनीश के नाम से उसको एक जर्सी मिलता है। जो हमारे जो स्पॉन्सर है वो है स्वदेश कुमार चौधरी जी, जो कि कोलकाता में जिनका खुद का एक स्पोर्ट्स का शॉप है, जो कि रिटेल भी करते हैं और होलसेल भी करते हैं। स्वदेश कुमार चौधरी जी, उनका पीपी स्पोर्ट्स उनके ब्रांड का नाम है। तो आ जाते हैं इंटरव्यू पर। तो गाइस, जैसे आज आप लोगों को मालूम है, आज का जो इंटरव्यू है वो है हारून के साथ में, एक बहुत ही एमर्जिंग प्लेयर। जितने भी जो बड़े बड़े प्लेयर्स इंटरव्यू देने आए टर्फ क्रिकेट के, सब लोगों से मैंने पूछा एमर्जिंग प्लेयर कौन है, तो सब लोगों ने हारून का नाम लिया। और उनके नाम लेने के बाद में ही हमारी टीम ने डिसाइड किया कि आज हम हारून का इंटरव्यू हमें लेना चाहिए। तो आज वो हारून का हम इंटरव्यू लेने वाले, देखते हैं हम हारून हमारे साथ में कब जुड़ते हैं यहाँ पे। ओके तो अरुण, जैसे कि देखिए जितने भी जो बड़े प्लेयर्स आए, बड़े प्लेयर लोगों ने आके मीन्स मैंने एक उनको पूछा एमर्जिंग प्लेयर का टैग दिया, तो सब लोगों ने आपको एक एमर्जिंग प्लेयर का टैग दिया कि मतलब एमर्जिंग प्लेयर हारून है, आने वाले टाइम में बहुत नाम करने वाले क्रिकेट में, तो वो सारी चीजें सुन के आपको कैसा फील होता है? अभी अभी मेहनत कर रहे, उसका फल तो मिल रहा है। आवाज कट रही रजनी भाई, आपकी आवाज आ रही है मेरे को प्रॉपर? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस 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 यस। अभी कैसा है, जितने भी बड़े प्लेयर लोग, लेजेंड प्लेयर लोग जैसे शाहनूबा, तोलानी, यतिराज बाबू, ये लोग सब सपोर्ट करते, तो अच्छा फील होता है थोड़ा ऐसा कि मतलब मेरा रुके क्रिकेट को लेके सब चिंतित है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते, यंगस्टर को ज्यादा ही सपोर्ट करते। शानुभाई हो गए हमेशा, अगर मैच एक कोई मैच भूला हो जाता है तो शानुभाई साइड में लेके बैठता है, ऐसा नहीं ऐसा कैलकुलेशन से नहीं, तो अच्छा लगता है थोड़ा, सब सपोर्ट करते हैं। जैसे अरुण देखे, हम इतने सारे आउटडोर गेम्स, आपने क्रिकेट ही क्यों चूज किया? बहुत सारे आउटडोर गेम्स, क्रिकेट ही क्यों? क्रिकेट एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल चुके गुजरात साइड, तो मेरे को उनसे ही वो चीज मतलब फैमिली से ही आया, तो क्रिकेट ही चूज करना पड़ा। देखिए, तो मीन्स आपके लाइफ की मेमोरेबल इनिंग कौन सी, क्योंकि आप टेनिस भी खेलते हो, जैसे आप मुन्ना शेख जो कि एक बहुत ही ब्रांड प्लेयर है, अगर देखेगा मुन्ना शेख तो एक बहुत ही बड़े प्लेयर जो इंडिया पाकिस्तान में 130 करोड़ के बीच में सिलेक्ट होकर इंडिया खेलने गए थे, उनके साथ में भी आपने खेला हो, तो वो एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ में? मुन्ना शेख जो है, मुन्ना शेख जैसा कोई प्लेयर नहीं है, उनका जो नेचर है एकदम साइलेंट नेचर है, उनकी जो बैटिंग है वो आप सब तो बेहतर जानते ही हो, उनसे बहुत कुछ सीखना है अभी, इंशाल्लाह सीखे। तो देखिए, जब आप जब जब मुन्ना शेख के साथ में जब आप खेलते हो, जैसे बड़े बड़े चप्पा भाई के साथ में आप खेलते हो, मुदस्सिर के साथ में जब आप खेलते हो, तो वो प्रेशर फील होता है आपको कि मतलब मैं तो अभी देखिए तो कंपेरेटिवली बहुत छोटा हूँ और ये इतने बड़े बड़े प्लेयर है, तो प्रेशर फील होता है आपको कभी कभी परफॉर्म नहीं करूंगा तो? यस ऑब्वियसली प्रेशर फील होता है, बट जब पिच पे टाइम बॉलों के साथ गुजर जाता है ऐसा बैटिंग करते हुए, तो फिर एकदम कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, एकदम फ्री हो जाते हैं हम, कि उनके एक्सपीरियंस की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाता है। एग्जैक्टली और देखिए, तो मीन्स आपके लाइफ की सबसे मेमोरेबल इनिंग कौन सी जिसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो? वो पिछले प्रीवियस ईयर की बात है, आमिर भाई उल्लासनगर लेके गए थे, तो ओपन का टूर्नामेंट था, और वहाँ पे मेरे को बेस्ट बैट्समैन मिला था, आमिर भाई मेरे को ओपनिंग लेके जा रहे थे, वो वहाँ पे ओपन का टूर्नामेंट था, वहाँ पे सुल्तान खान, दीनू कांबळे सब लोग थे वहाँ पे था, और आमिर भाई कैप्टन थे हम लोग की टीम के, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था, स्टार्ट टू एंड तक मेरे को लेके गए थे, वहाँ पे मेरे को बेस्ट बैट्समैन मिला था। तो मतलब वो आपकी एकदम मेमोरेबल इनिंग, कोई इनिंग अपने लाइफ में? मेमोरेबल इनिंग और सबसे पहला ओपन टूर्नामेंट है मेरा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सबसे पहला ओपन टूर्नामेंट खेला हो उसको मेमोरी भी आपने बना लिया। कोई ऐसा टूर्नामेंट आपके लाइफ में है जो मीन्स हारने के बाद में आंख में से आंसू आ गए हो? क्योंकि आप मेरे साथ में भी खेलो, बहुत एग्रेसिव आप हो जाते हो, बहुत ही दिल से आप खेलते हो क्रिकेट, वो क्रिकेट में पूरा इन्वॉल्व होकर आप खेलते हो, तो ऐसा कोई इनिंग है आपकी लाइफ में मतलब आंख से आंसू आ गए क्लोज जाके हारने पे? पिछले साल का जो एमबीपीएल हुआ था, यश मालवणकर हम लोग एक में थे, वो एमबीपीएल में हम लोग शानूबाई और बाबू वो सामने वाली टीम के आइकॉन थे, और हम लोग ने कुछ 6 बॉल 2 रन का मैच, 2 बॉल 2 आके हम लोग हार गए, ओके तो वो हम लोग के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। नहीं आई थी, आंख में आंसू आ गए रहेंगे आपके तभी तो। यस यस बरोबर, यश मालवणकर के भी आ गए थे। एग्जैक्टली, क्योंकि क्रिकेट को बहुत ही दिल से खेलते और बहुत ही
घुस के खेलते हो क्रिकेट में। आगे बढ़ते राउंड के साथ में, बेसिकली अभी हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हारून के साथ में, और हारून उसका रैपिडली आंसर देंगे ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं हारून से। हारून रेडी हो रैपिड फायर राउंड के लिए आप? अगर आपको ये तीन प्लेयर में से एक प्लेयर को अगर आपको बाहर खिलाना, मीरा भाईंदर के बाहर अगर आपको खिलाना और आपको कैप्टन बनाया जाए, तो ये तीन प्लेयर में से एक प्लेयर वो कौन सा होगा जिसको आप मीरा भाईंदर के बाहर खिलाओगे? आमिर दाफेदार, युगल परवेज। आमिर दाफेदार, युगल परवेज, युगल परवेज, युगल और आमिर परवेज। दाफेदार। अच्छा, तीनों में से किसको खिलाया जाए? जी एक जन को, आमिर दाफेदार ऑब्वियसली। आम, उनके आम, जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर कोई है ही नहीं अभी फिलहाल तक, उनका एक्सपीरियंस बहुत है तीनों के मुकाबले। आमिर भाई का एक्सपीरियंस और वो सबसे ज्यादा आमिर भाई मैचेस भी खेले। ओके, एक्सपीरियंस के बेस पे ये यहाँ पे हारून ने चूज किया आमिर दाफेदार को। ओके, ये तीन में से आपको एक को होल्ड पे डालना है, एक को बेंच पे बिठाना है, एक को आपके टीम में लेना है। केसर सोनार, संजू ठाकुर, श्रेयांश, किसको होल्ड पे डालें, किसको बेंच पे बिठाएं, किसको अपने टीम में लेंगे आप? अभी देखा जाए तो तीनों ही ऑब्वियसली एकदम टैलेंटेड प्लेयर है। अगर मेरे को ऐसा करना होगा तो मैं खुद बेंच पे बैठ जाऊंगा, लेकिन आप पूछ रहे हो जिस हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से ऐसा रहा तो श्रेयांश को मैं खिलाऊंगा और होल्ड पे मैं रखूंगा संजू ठाकुर को और वेट कराऊंगा उसको। सर बेंच बिठाएंगे केसर को, मतलब ओके। बेसिकली देखिए बॉक्स बॉक्स के हिसाब से, आपके हिसाब से ये तीन प्लेयर में से जो बेस्ट प्लेयर कौन है आपके हिसाब से, बॉक्स और ओपन दोनों कंसिडर करेंगे तो मुदस्सिर, रोहित और सिद्धेश, बेस्ट प्लेयर ओपन, कौन है? मुदस्सिर भाई, मुद्दू भाई, मुद्दू मुद्दू भाई, भाई मतलब ऐसे है 100 में से 99% टूर्नामेंट वो हम लोग को 100 जीताते। और हम लोग अभी भी लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद जो फर्स्ट डबल बॉल का टूर्नामेंट था उसमें भी उनको मैन ऑफ द सीरीज मिला था। मींस मतलब उनका चलना हमारी टीम के लिए बहुत जरूरी है, वो हमारी टीम के लिए एकदम। मतलब देखे तो बेस्ट तीन में से मुद्दू भाई या मुदस्सिर। ओके, आगे बढ़ते हैं, तीन में से मोस्ट लॉयल प्लेयर आपके हिसाब से कौन है? शाहनवाज खान, यतिराज देवरुख, आमिर दाफेदार, मोस्ट लॉयल प्लेयर आपके हिसाब से कौन है? लॉयल प्लेयर आमिर दाफेदार। आमिर दाफेदार मोस्ट लॉयल प्लेयर है। ये दोनों में से सबसे बेस्ट टीम आपके हिसाब से कौन है, डॉन ब्रदर्स या प्रतिमा? डॉन ब्रदर्स, डॉन ब्रदर्स। ओके, अभी आपको मैं तीन टीम का नाम बताऊंगा, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री टीम, ऐसा आपको मींस उसको अरेंज करना सीक्वेंस में। अम्मू पैकर्स, रॉयल वॉरियर्स, मातोश्री, सीक्वेंस पे अरेंज करना है। जी, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। नंबर वन मातोश्री, ओके, और नंबर टू रॉयल वॉरियर, नंबर थ्री अम्मू पैकर्स। ओके, अभी आपको जो प्लेयर का नाम बताऊं उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट आपको बताना है। सरफराज शेख जो कि चप्पा भाई के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट क्या आपके हिसाब से? चप्पा भाई जो है कैप्टनशिप है उनकी, कीपिंग तो बहुत रहा, हमारी टीम में उनको एबीडी बोलते हैं चप्पा भाई को, और वो बहुत एग्रेसिव प्लेयर है, उन्होंने बहुत वर्क किया है आज तक, अभी शांत एकदम शांत क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि ऐसे यंगस्टर को सपोर्ट करते रहे और थोड़ा शांत खेले। ओके, मतलब वीक पॉइंट है कि मींस ज्यादा मतलब ग्राउंड पे भड़क जाती है, वीक पॉइंट आपके हिसाब से? नहीं, भड़कते नहीं, ऐसा क्या है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है उसमें आप सब 11 के 11 जन की मेहनत लगती है, अभी एक जन से कोई लूज खेलेगा तो कैप्टन का काम ही है भड़कना, वो भी ठीक है उनके हिसाब से। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आंसर था। मुन्ना शेख की स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट क्या आपके हिसाब से, क्योंकि आपने पर्सनली खेला हुआ उनके साथ? मुन्ना शेख की स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट तो देखो अभी वो तो बहुत बड़े प्लेयर है, उनकी कोई वीक पॉइंट नहीं है, बट ये है कि उनका दिन चलता है तो फिर कुछ बोल नहीं सकते, वो कुछ भी कर सकते हो, मुन्ना शेख ऐसे बैट्समैन है। Exactly. उनका वीक पॉइंट मेरे हिसाब से, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं उनकी बैटिंग में कोई वीक पॉइंट है उनका, वो सेंसिबल भी खेलते हैं, अग्रेसिव भी खेलते हैं और अटैकिंग भी खेलते हैं, मतलब मैच खेल रहे हैं, बड़े मैच के प्लेयर है मुन्ना शेख। एग्जैक्टली, नो डाउट, बड़े मैच के प्लेयर, इसके लिए 130 करोड़ के बीच में इंडिया पाकिस्तान खेलने गए, 130 करोड़ के बीच में सिलेक्ट हो गया। आगे बढ़ते, यश तोलानी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट क्या आपके हिसाब से? यश तोलानी एबीडी विलर्स है तरफ की, कहते यश तोलानी मतलब उनके जैसा मैंने वीडियो गेम किसको देखा ही नहीं, वीडियो गेम की तरह वो सिक्स मारते हैं यश तोलानी, और उनका वीक पॉइंट ऐसा है कि मतलब अगर 5 ओवर्स में 30 रन भी चाहिए तो वो 2 ओवर में मार देगा, ऐसा सीधे। अच्छा, तो ये उनका वीक पॉइंट है, मतलब बेसिकली ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट घुमा के आपने वीक पॉइंट बताया वापस। हाँ, यस यस, वो मतलब ऐसा है वीडियो गेम है। ओके, आगे बढ़ते, ये तीन में से मोस्ट डैशिंग प्लेयर आपके हिसाब से कौन है, शाहनवाज खान, बाबू और यश तोलानी? डैशिंग प्लेयर शाहनवाज खान।
शाहनवाज खान। ओके, शानू इसमें भाई। बेसिकली आपको हायर या फायर करना है, एक को हायर करना है एक को फायर करना है, पार्थ सुरु या केसर सोनार, किसको हायर करेंगे किसको फायर करेंगे आप? केशर सोनार को मैं अभी हायर करूंगा, और पार्थ पार्थ सुरु, फायर। पार्थ सुरु नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन केशर सोनार का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि बॉक्स क्रिकेट में राहुल सुरवड़े, जो लेबो लेबो के नाम से बहुत ज्यादा फेमस, बहुत नाम है उनका, राहुल सुरवड़े या फिर घनश्याम शिंदे, किसको हायर करेंगे किसको फायर करेंगे आप? लेबो लेबो राहुल सुरवड़े। राहुल सुरवड़े हायर, घनश्याम शिंदे फायर। रॉयल वॉरियर्स या रॉयल मर्कस, दोनों के बीच एक ही ओनर है, यस यस किसका? बराबर। रॉयल मर्कस, रॉयल मर्कस, मैं रॉयल बचपन से मर्कस उसमें टेस्ट फायर। क्रिकेट खेला हूँ। यस एग्जैक्टली, रॉयल वॉरियर्स फायर। ओके, दानिश फारूक या सुरेश सरोज कूड़ा, किसको हायर करेंगे किसको फायर करेंगे? टर्क क्रिकेट का बहुत बड़े नाम, कूड़ा कूड़ा कूड़ा, सुरेश सरोज कूड़ा। को हायर करेंगे, दानिश फारूक को फायर करेंगे। यस ओके, धवल या द्रुपद? ये तो बहुत ऐसा सवाल पूछ लिया कि मॉम या डैड, दोनों बेस्ट है, दोनों बेस्ट है। किसको हायर द्रुपद करेंगे भाई, किसको फायर करेंगे द्रुपद सिचुएशन? द्रुपद भाई, द्रुपद भाई। द्रुपद हायर, धवल फायर। ओके, अम्मू पैकर्स या मातोश्री, किसको हायर करेंगे किसको फायर करेंगे? फिलहाल अम्मू पैकर्स, अम्मू भाई अभी टीम चालू है तो अम्मू पैकर्स। अम्मू पैकर्स हायर और मातोश्री फायर। ओके, अभी आपको टैग देना है, सेंसिबल, हार्ड हिटर और मास्टरमाइंड का टैग देना आपको। इसमें तीन ऑप्शंस आपके, चप्पा भाई, पल्ला और मुन्ना शेख, किसको टैग देंगे सेंसिबल का? सेंसिबल का पल्ला दो। पल्ला को, और हार्ड हिटर का किसको टैग देना चाहेंगे, मुन्ना शेख या चप्पा भाई? मुन्ना शेख को हार्ड हिटर का टैग देना ओके, बच गया एक मास्टरमाइंड का टैग जो कि चप्पा भाई को मिलता है, मास्टरमाइंड चप्पा भाई। ऑब्वियसली कोई भी चप्पा मैच भाई। पलटी करते ओके, थे, वो पिछले साल हमारा बंदर बॉय से मैच था तो उन्होंने क्या मैच पलटी किया था कैप्टनशिप से। एग्जैक्टली, तो मतलब कि मास्टरमाइंड चप्पा भाई है, पल्ला सेंसिबल है और हार्ड हिटर मुन्ना शेख है। आगे बढ़ते, बेस्ट बैट्समैन है तीन में से आपके हिसाब से कौन है, विशाल चतुर्वेदी, सैंडी या अरफात? विशाल भाई, विशाल चतुर्वेदी, विशाल चतुर्वेदी विशाल का बेस्ट बेस्ट बैट्समैन। होगा। ओके, बैट्समैन विशाल चतुर्वेदी। अगर एक बॉल पे 6 रन चाहिए और आप स्ट्राइक पे हो, तो ये तीन बॉलर में से कौन से बॉलर को आप मार दोगे, ये तीन बॉलर में से, जतिराज देवरुखे, शाहनवाज खान और यश तोलानी, किसको आप मार दोगे? एक्चुअली तीनों ही ऑब्वियसली प्रेशर मेरे पे रहे, हिसाब से यश तोलानी। आप मार दोगे ये तीनों में से, बाबू और शानू भाई और तोलानी में से, तोलानी को आप मार दो एक बॉल पे 6 रन से। तो यस सर, ओके, एक सजेशन देना ये एमर्जिंग प्लेयर का आपको, पार्थ सुरु को क्या एक सजेशन देना चाहोगे क्रिकेट को लेके? पार्थ शुरू जो है वो ऐसा मैच में ऐसा घुस के खेलते हैं, पार्थ शुरू नो डाउट बहुत सबसे अच्छे इमर्जिंग प्लेयर है पार्थ शुरू। बस मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा प्रेशर ना ले, वो बहुत प्रेशर लेके खेलते हैं। ओके, मतलब प्रेशर नहीं ले और फिर उनका गेम इंप्रूव। आयान को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? आयान को, आयान बहुत जी, एग्रेसिव खेलता है, थोड़ा सी सिंगल डबल पे ध्यान देगा तो इंशाल्लाह बहुत, नो डाउट वो बहुत अच्छा खेलता है, बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। ओके, राहुल गायकवाड़ को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? राहुल गायकवाड़ को मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो टर्फ क्रिकेट का काफी कम खेलते, तो मैं चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा टर्फ क्रिकेट खेले। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सजेशन था ये। और एक एक क्वालिटी आपके अंदर अगर लेनी हो तो ये तीन प्लेयर में से वो क्वालिटी आप क्या लेंगे, बैनी भाई के अंदर से क्या क्वालिटी आप अंदर अपने अंदर लेंगे? बैनी भाई के अंदर से मैं उनकी बॉलिंग की क्वालिटी लेना चाहूंगा। बॉलिंग की क्वालिटी। यस ओके, यस, धवल के अंदर से क्या क्वालिटी लेना चाहेंगे आप? धवल मास्टरमाइंड, मतलब उनके जो भी आप मास्टरमाइंड, ब्रेक मतलब ऐसा उनके जैसा सिंगल चुराते हुए मैंने आज तक किसको नहीं देखा, बेस्ट फिटनेस में भी बेस्ट हो। एग्जैक्टली, अल्पेश दर्जी जो कि सेठ जी के नाम से बहुत फेमस है और आपकी टीम के ओनर भी, यस, उनके अंदर क्या क्वालिटी आप लेना चाहेंगे क्योंकि वो भी क्रिकेट खेलते हैं? सेठ जी जो है बहुत शांत स्वभाव के सेठ जी, मतलब हम लोग कोई मैच हार भी जाते तो कुछ बोलते नहीं है, उनका जो स्वभाव उनका जो नेचर है मैं उनसे वो चीज सीखना चाहूंगा, उनका नेचर बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, जाते जाते जो भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, तो जैसे आप भी एक एमर्जिंग प्लेयर और आपके पीछे भी बहुत सारे एमर्जिंग प्लेयर है जो कि क्रिकेट को एज अ करियर चूज करने देख रहे हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम क्रिकेट में करियर बनाए, टेनिस क्रिकेट में, टर्फ क्रिकेट में, तो क्रिकेट एज अ करियर चूज करना चाहिए कि जस्ट एज अ पैशन चूज करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर क्रिकेट को एज अ करियर चूज करना है तो उसके अंदर गोल जाना है, गोल मिल जाना चाहिए, जैसे कि फिटनेस परफेक्ट होनी चाहिए अगर तुमको क्रिकेट को करियर के हिसाब से चूज करना है,
लिए इंडिया में क्रिकेट का जितना कंपटीशन है उतना कहीं पर भी नहीं, बहुत कंपटीशन है इंडिया में, उसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। तो मैं चाह अगर मेरे हिसाब से क्रिकेट को पैशन, पैशन भी ठीक है, पैशन भी ले सकते, लेकिन करियर के हिसाब से चूज करें तो उसके अंदर अपनी जान डाल के मेहनत करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मतलब अगर आप लोग अगर आगे बढ़ना है टेनिस क्रिकेट में या फिर टर्फ क्रिकेट में तो पूरा जान लगा दो और अच्छे से खेलो तो आगे बढ़ो या यस मेहनत यस और फिटनेस पे ध्यान दो। एग्जैक्टली और जाते जाते ये पेज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं पेज के बारे में बोलना चाहूंगा कि रजनीश भाई जो ये पेज है आरजे तिवारी जो एक पेज है जिसपे सब इंटरव्यू रैपिड फायर वगैरह लेना चालू हुआ, एक मीरा बंदर में हर क्षेत्र में जैसे क्रिकेट भी आगे हो रहा है, कमेंट्रेटर भी आगे हो रहा है और ये इंटरव्यू लेने का भी सिलसिला आगे हो रहा है। तो रजनीश भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने यंगस्टर लोग को सपोर्ट किया, इंटरव्यू वगैरह लेके थोड़ा माहौल बना, लॉकडाउन में भी काफी अच्छा था आपका सेशन वगैरह, तो मैं आपको आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा। एग्जैक्टली थैंक यू सो मच हारून जी आप हमारे साथ में जुड़े हो। जितने भी जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं सब लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा हर शाम 6 बजे मैं आता हूँ, एक कॉन्टेस्ट रहता है आईपीएल के रिगार्डिंग, उसके अंदर बेसिकली हम लोग जर्सी गिव अवे करते हैं और 5 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जो भी वो 5 के 5 का सही आंसर देता है उसको हम लोग जर्सी देते हैं। और हारून से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आओ और वो जो कॉन्टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करो और जीतो खेलो मेरे साथ में। और जो भी लोग ये देख रहे हैं सारे लोगों को ये बोलूंगा ये पेज को फॉलो करो और जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये वीडियो बेसिकली यूट्यूब पे कल अपलोड हो जाएगा पूरा एडिट करने के बाद प्रॉपर सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच हारून जी आप वंस अगेन आप हमारे साथ में जुड़े और होप्स आने वाले टाइम में बड़े बड़े आप टूर्नामेंट्स खेले। थैंक यू सो मच।